इसका बुनियाद आज भी कायम है और ये फसादियों, ये भड़काऊ वाले, ये गुंडे, ये दहशतगर्दों से हम अपने मुल्क को जरूर बचाएंगे। तो क्या ये गोलियों का खेल चलता रहेगा, एक दूसरे को सब गोली मारते रहेंगे? क्या ऐसा ही मुल्क चलेगा? क्या मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं करेगा गद्दार कौन है? मुल्क का कानून ठीक नहीं करेगा गद्दार कौन है? बस यही चंद लोग एरे गेरे लट्टू खेरे ठीक करेंगे गद्दार कौन है? ऐसा मुल्क नहीं चल सकता। देखिए, जो भारत सरकार में बैठे हुए गृहमंत्री अमित शाह जी हैं, उनके जो गुंडा एलिमेंट ने दिल्ली को जलाने का काम किया है, दिल्ली की जनता पे जुल्म सितम ढाया है, दिल्ली में जो कत्लोगरी फैलाई है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने आए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का ये प्रोटेस्ट है, जो भारत सरकार ने मिलकर के जो कत्लो आराम फैलाई है, जो हंगामा फैलाया है, जो दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं ये लोग चुनाव हारने का, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, किस तरह से लगातार देश में हिंसा फैल रही है और बड़ी राजनीति हो रही है, भड़काने वाली राजनीति, क्या मौजूदा जो वक्त है उसका दौर है क्या? देखिए, राजनीति का मतलब होता है लोगों की सेवा करने का तरीका चुनना, हुकूमत चलाने का तरीका चुनना। ये तो गुंडा नीति है भाई, ये राजनीति नहीं है, ये गुंडा नीति है, ये लूट नीति है, ये कत्ल नीति है और सीधा सीधा ये तड़ीपार नीति है, ये राजनीति नहीं है। शाहीन बाग पर कल 144 लगा दी गई, कुछ लोगों को डिटेन लिया गया। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि जल्द ही शाहीन बाग खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। किसी के बाप का देश है, मुल्क सारे देशों का है, सारी जनता का है, सारे धर्मों का है, सारी बिरादरियों का, किसी के बाप का देश है ये। सबसे बड़ी बात है कि शाहीन बाग का जो केस है वो सब जुडाइस है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक शाहीन बाग के लिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि शाहीन बाग के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एहतजाज करना और सरकार के नीति के खिलाफ एहतजाज करना, ये हिंदुस्तान के शहरियों का बुनियादी हक है, जो हक उसको संविधान देता है। अब सरकार उनसे बैठ के मसले का हल के लिए बातचीत करे, इंटरलोक्यूटर्स भी गई थी और इंटरलोक्यूटर्स ने खुद देखा कि रास्ता जो बंद कर रहा था वो सरकार खुद कर रहा था, शाहीन बाग के वजह से कोई रास्ता बंद नहीं हो रहा था। तो आज हैरत की बात यह है कि जिन लोगों ने दिल्ली में जब अन्ना हजारे साहब ने जब आंदोलन किया और महीने पे महीना उन्होंने रास्ता को बंद करके रखा, और उन्हीं का एक सपोर्टर बाबा रामदेव जी को बुरखा पहनकर भागना पड़ा था क्योंकि प्रोटेस्ट में वो भी शामिल थे, आज वही प्रोटेस्ट के खिलाफ है। और ये चीज सिर्फ शाहीन बाग के लिए नहीं है, आज शाहीन बाग प्रोटेस्ट कर रहा है, कल हिंदुस्तान का मजदूर भी प्रोटेस्ट करेगा, किसान भी प्रोटेस्ट करेगा। तो किसी को भी आप प्रोटेस्ट और एहतजाज करने का हक नहीं दीजिएगा, तो ये तो एक बुनियादी हक का बात है जो संविधान हमें देता है। इसको लेके वो हवा खराब करने मांग रहा है, भड़काव भाषण देने मांग रहा है, ये जो उसका तरीका है ये मुल्क को बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। उसके कुर्सी के वजह से हिंदुस्तान नहीं खत्म, हम लोग हिंदुस्तान को खत्म नहीं होने देंगे, उसकी कुर्सी के वजह से हम लोग हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होने देंगे, क्योंकि उसको कुर्सी में रहना है और कपिल मिश्रा साहब को एमपी का टिकट लेना है, इस वजह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। रातों रात मुरलीधर का ट्रांसफर कर देना, क्या न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाने? देखिए, सरकार तो ये कह रहा है कि ये एक नॉर्मल ट्रांसफर था, हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि इसका टाइमिंग इस बात का सबूत है, और उसके बाद में जब हाईकोर्ट बैठा तो उन्होंने कहा कि एक महीना का वक्त देता है, अब जो समझने वाला है वो समझ गया है। हम लोग तो इतना ही मुतालबात करेंगे कि हिंदुस्तान का जो जमहूरी इदारा है उसका स्वाधीनता, उसका इंडिपेंडेंस बरकरार रहे, सरकार को उसका इंडिपेंडेंस में या उन सियासी इदारों के फंक्शनिंग में मुदाखलात करने का कोई भी हक नहीं है। मौजूदा जो स्थिति है हिंदुस्तान का, हर राज्य हर जिला, क्या मोदी शाह के कब्जे में है क्या? देखिए, हिंदुस्तान कभी किसी का कब्जा में नहीं आ सकता, लेकिन मोदी शाह जी जिस तरीके से एक खतरनाक खेल में उतरे हैं, जिस तरीके से नाजी जर्मनी में जो हालात देखने को मिल रही थी, आज दिल्ली के अंदर वो हालात दिख रहा है,
तो हम लोग इतना कह सकते हैं, जैसा मैंने आपसे इससे पहले भी कहा, कि सिर्फ दो लोगों के कुर्सी के वजह से हम मुल्क को नहीं बर्बाद होने देंगे। आज ये लड़ाई मुल्क की लड़ाई है, और फिर से हम लोग कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमानों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये बस मजहब की इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनको हुकूमत में रहना है। आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार है आपका प्रोटेस्ट करने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, जो रोड ब्लॉक हो रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोक्यूटर्स भेजा, और इंटरलोक्यूटर्स ने ऑन रिकॉर्ड कहा, जो मध्यस्थता कर रहे थे शाहीन बाग के लोगों के और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, उन्होंने खुद कहा कि रास्ता ब्लॉक करने वाला सरकार है, सरकार ने वो दो रास्ता क्यों ब्लॉक किए। अब उन्होंने अपना फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट को दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट उनका फाइंडिंग्स देख के अपनी बात कहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सामने जब इंटरलोक्यूटर्स आया है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, उससे पहले माहौल खराब करने की वजह क्या है? उससे पहले गोरी मानो देश के गद्दारों को, इसका वजह क्या है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फाइंडिंग से इंटरलोक्यूटर्स मध्यस्थता जो लोग कर रहे थे उनका नजर में जो आया, इन बातों से सरकार डर चुका है। अब बस क्या करना है, अब भड़काऊ भाषण दो, मजहबी लड़ाई लगा दो, हिंदुस्तान को तकसीम कर दो। ये कभी राजनीति नहीं हो सकता, ये राजनीति नहीं है, ये मुल्क की लड़ाई है, और ये मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। 2014 के पहले जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से खुले तौर तरीके से न्याय सुनाती थी, क्या इस वक्त वो चीज नहीं हो पाएगी? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भूमिका पर सवाल खड़ा करना कानून के खिलाफ है। एक जिम्मेदार सियासी तंजीम से हम लोग ताल्लुक रखते हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा है। हम लोग इतना कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं वो संविधान पढ़े हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं संविधान के ऊपर। हम लोग ये आज भी हम लोग को भरोसा रखते हैं कि संविधान को बचाने के लिए जो जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट को अपनाना चाहिए, मुल्क को इतिहाद रखने के लिए जो जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट को अपनाना चाहिए वो अपनाए और अपना किरदार लोगों के सामने लाए। अभी दिल्ली जल रही थी, दंगे हो रहे थे, आग शांत भी नहीं हुई, लेकिन अमित शाह पश्चिम बंगाल में रैली करने पहुँच जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि CA वापस नहीं है, कैसे देखते हैं यहाँ मौजूद देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि शाह जी को ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली में आग जल रहा है, फसादात हो रही है, एक 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 समुदाय के खिलाफ एक और भी आग भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि जो चल रहा है दिल्ली में अराजकता, उसका पूर्ण समर्थन शाह साहब ने उसको दिया है, अमित शाह जी ने उसको उसका पूर्ण समर्थन दिया है। नहीं तो वो दिल्ली में होते और हालात को काबू में करते, लेकिन दिल्ली में नहीं होकर, हालात को काबू में नहीं करके वो कलकत्ता जाते हैं और उन्हीं के रैली में वापस वो स्लोगन लगाया जाता है, गोली मारो देश के गद्दारों को। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हर एरा गहरा लट्ठू खेरा क्या ठीक करेगा कि मुल्क का गद्दार कौन है, और मुल्क का गद्दार कोई नहीं, तो मेरे लिए वो गद्दार, उसके लिए मैं गद्दार, तो क्या ये गोलियों का खेल चलता रहेगा? एक दूसरे को सब गोली मारते रहेंगे, क्या ऐसा ही मुल्क चलेगा? क्या मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं करेगा गद्दार कौन है, मुल्क का कानून ठीक नहीं करेगा गद्दार कौन है, बस यही चंद लोग एरे गहरे लट्ठू खेरे ठीक करेंगे गद्दार कौन है? ऐसा मुल्क नहीं चल सकता। क्या लगता है दिल्ली में हिंसा हुई? सरकार के पास इतने संसाधन हैं, इतने खुफिया विभाग हैं, इतनी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, क्या सरकार को आउटपुट नहीं मिला होगा इंटेलिजेंस? देखिए, सरकार के पास सब कुछ है, अगर यूपी में एक दिन में वो 23 पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मार सकते हैं, JNU का लाइब्रेरी में घुसकर कि नहीं उनके हाथ में पत्थर था, हमको पहले से पता है, लाइब्रेरी के अंदर घुस के मारो, अलीगढ़ के अंदर घुस के मारो, टियर गैस चलाओ, और लड़कों का हाथ तक उड़ा दिया गया, क्या ये फसादियों को नहीं काबू कर सकते थे? सरकार के पास हर चीज़ है, और मैं साथ साथ आम आदमी पार्टी के किरदार पर भी सवाल उठाना चाहता हूँ। अगर आम आदमी पार्टी चाहता तो ये दंगा को उसी जगह में रोकने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता
रहा था, अगर उनके MLAs और उनके काउंसलर्स अगर रास्ता में उतर जाते तो पुलिस मजबूर होता कि वो दंगाइयों को वहीं पे रोके, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बहुत मुनाफिकीन किरदार प्ले किया है और दो नैया में सवार होकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज तो वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि दंगा हो रहा है तो होने दो, हम तो बस पानी देंगे और स्कूल को साफ रखेंगे। ऐसा सरकार नहीं होना चाहिए, एक शर्मनाक सरकार है ये। कहा जा रहा केजरीवाल बीजेपी RSS की बी टीम है, क्या आप इससे सहमत? देखिए केजरीवाल साहब, RSS BJP का बी टीम हो गया नहीं, ये ABCD का अल्फाबेटिकल खेला में मैं नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल एक सबसे बड़ा फेलियर है और दंगा वो रोक सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और तारीख में केजरीवाल जी का नाम आएगा कि इस दंगा को रोकने का ताकत रखता था लेकिन उन्होंने नहीं रोका। विपक्ष चुप है, क्या कोई विकल्प नहीं है? देखिए देश का विकल्प देश का जनगण है, देश का विकल्प देश का आवाम है, ये विकल्प अभी उभर के आएगा। सिर्फ सियासी तंजीम ही देश का विकल्प नहीं होता है, देश की आवाम होता है। ये नफरत की माहौल में मोहब्बत का पैगाम जो जिनके कंधों में है, हिंदुस्तान के ज़्यादातर आवाम आज भी बहुत मासूम आवाम है, आज भी वो मोहब्बत पे चलते हैं। हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत की मिसाल अगर हमको ये दंगा के बीच में मिल सकता है तो सोचिए आम दिनों में कितना मोहब्बत होगा इन दो समुदायों में। ये एक रोशनी है ये अंधेरा के वक्त में कि अगर दंगा के बीच में एक हिंदू ने मुसलमान को पना दिया और एक मुसलमान ने मंदिर को बचाया तो ये हमारे लिए रोशनी है। अगर इतने फसाद के बीच में भी अगर ये भाईचारे की मिसाल मिलती है इसका मतलब हिंदुस्तान का बुनियाद आज भी कायम है और ये फसादियों ये भड़काव वाले ये गुंडे ये दहशतगर्दों से हम अपने मुल्क को ज़रूर बचाएंगे।